हादसा कुछ लापरवाहियों की वजह से भी समझ में आ रहा है, जिसकी प्रशासन जांच कर रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे किसी ने मशीन चला के गड्ढा कर दिया था। ऐसी जगह पे गड्ढा हुआ था जहाँ पे पहले से इतना पानी या इतना गहरा नहीं था और बच्चों को अंदाज़ा नहीं लगा। और ये लगभग 4 बजे की घटना है। गाँव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई बच्चे को लेके बाइक से भाग रहा था, कोई कैसे भाग रहा था। पूरे समंदन में एक अभी भी एक बहुत दुखद माहौल है। जैसे कि आपने कहा कि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए, क्या नगर पंचायत द्वारा खुदवाए गए? ये अभी नहीं साफ है, लेकिन यही सुनने में आया कि जेसीबी से किसी ने उसमें गड्ढा खोद के उससे मिट्टी निकाल ली थी, अभी जैसा कि यहाँ पता चला है। और उसी में बच्चों को अंदाज़ा नहीं मिला और वो वहाँ पे कम पानी समझ के नहाने गए, वहाँ गड्ढा मिल गया। एक साथ चार मासूम मौत के आगोश में समाए हैं। एक ही फैमिली के चार हैं, एक ही परिवार के हैं। अच्छा, सरकार से क्या मुआवजे की आप मांग करते हैं? सरकार से 10-10 लाख रुपए हर फैमिली के एक एक बच्चे को दिए जाएं, जो कि अभी डीएम साहब 4-4 लाख रुपए का बोल के भी गए हैं, लेकिन हमारी मांग यही है कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार से? जी बिल्कुल। आप भी एक बसपा नेता हैं, आपने अपने सफर बसपा सुप्रीमो से कुछ कहा? जी, बात करी थी, अभी बात उनसे संपर्क में नहीं हो पाई है। बाकी हमारे जो सांसद कैंडिडेट हैं वो कल आ रहे हैं। आज भी वो गांव में थे, लेकिन वो निकल गए थे इससे पहले ये घटना हुई थी।